दूर दूर अंचल से आए हुए कितने समाज के श्री संतोष विद्वान सीता सावित्री अनुसुईया गार्गी की पवित्र धरा पर पलने वाले हमारे पावन मातृशक्ति भाव सागर में कंधे से कंधा लगा करके चलने वाले हमारे हमारे दोस्तों सभी के हृदय में बैठे हुए उन सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए श्री हर नारायण की पावन कथा का छठ में दिवस की रजनी का आगमन है, जिसमें सभी जिज्ञासु भक्त बैठे हुए हैं। प्रिय बंधुओं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, छत गिर गई।
बोलिए वृंदावन में हरि लाल की सच्चे दरबार की। प्रिय भाई बहनों, भगवान की कथा आपके पावन ग्राम अधिकपुर में चलते हुए आज छठे दिवस की रजनी का आगमन है। बड़े आनंदित होकर के क्षेत्रवासियों ने भगवान की कथा पांडाल की शोभा यात्रा की है। भगवान की कथा से जो आनंद मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। कभी कभी लोग कह दिया करते हैं शास्त्री जी आज भगवान की कथा में मजा नहीं आया। भगवान की कथा में मजा कभी नहीं आता है, भगवान की कथा में केवल आनंद आता है। वो आनंद शब्द परमानंद के स्वरूप का है। आनंद जरा अनूठा जरूर होता है लेकिन आनंद में महानंद की उपाधि होती है। मजा के लोगों का अल्पाज है। आनंद आनंदी का है जो परमानंद के धाम वैकुंठ से निकल करके आता है। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे महात्मा नारद, आपने इस पीड़ा में कितना गुण पाया है? तो देव ऋषि नारद